से जो शक्ति है वो शांति में निहित है। कहाँ है? शांति के बिना कदापि शक्ति मिल नहीं। पूरा दिन काम करते हो, रात्रि में शांति होकर एकांत में सो जाते हो, सवेरे फिर पूरा दिन काम करने की एनर्जी तुम्हें प्राप्त हो जाती है। जो सबसे ज्यादा शक्ति है वो केवल शांति में है, शांति के अलावा और कहीं है नहीं। अब शांति प्राप्त करने के लिए योगी लोग एकांत में जाते हैं। एकांत में क्यों जाते हैं? क्योंकि शक्ति, योगियों को आप शक्तिशाली समझते हैं कि नहीं समझते हैं? क्यों समझते हैं? क्योंकि उनके पास शक्ति, शांति होती है, वे शांति में जीते हैं। आगे ना, भूतकाल की कोई चिंता नहीं करते, भविष्यकाल की कोई चिंता नहीं करते और वर्तमान में भी नहीं रहते हैं, क्योंकि वो केवल ईश्वर के ध्यान में लीन हो जाते हैं। ठीक है, लेकिन जो वो ध्यान है वो 24 घंटे में, 48 घंटे में, दो चार दिन में हमें जरूर प्राप्त होता है। अब कैसे प्राप्त होता है? कई बार हम बैठे बैठे खो जाते हैं, कोई हमारी आंखों के सामने हाथ हिलाता रह जाता है, ये भाई कहाँ है, फिर एकदम से जागते हैं। तब हमें ना तो भूतकाल की कोई फिक्र चिंता होती है, कैसा था कैसा नहीं, ना भूतकाल का चिंतन होता है, ना भविष्य की चिंता होती है, और ना वर्तमान काल में हम मौजूद रहते हैं। अब वर्तमान में मौजूद नहीं है, इस बात को तो सामने वाला बताता है हाथ ऐसे करके, और तब थोड़ी देर बाद जागते हैं। हम कहीं खो जाते हैं, वो खो जाना निर्विचार समाधि का अंश है। जैसे जोर जोर से श्वास लेते हैं, ठीक है ना, और बहुत देर तक लेते हैं, तो फिर देखते हैं, फिर हमें गहरी गहरी श्वासें आती हैं कुछ देर तक, और फिर देखते हैं, फिर हमारे शरीर के अंतर में शांति छा जाती है। कभी ऐसा महसूस किया आप लोगों ने? बोलिए हाँ के ना। किया है? कम आ रही भाई। किया है? अरे किया है? अच्छा, ऐसा महसूस करते हैं हम अपने जीवन में कभी ना कभी। तो ऐसी समाधियों, तब एकांत में बैठे भगवान का नाम लेते लेते, इसलिए जो सबसे पहले जप किया जाता है वो वाचिक किया जाता है, यानी कि बोल के किया जाता है। जब आप बहुत देर तक बोल लेते हो तो जिह्वा थक जाती है, शरीर थक जाता है, फिर वो उपांशु में बदल जाता है, फिर आप बोल ही नहीं पाते, होंठ हिल रहे हैं, जीभ हिल रही है, और जब पूरी जिंदगी ये करते रहते हो, कुछ साल ये करते हो, तो फिर वो मानसिक जप में बदल जाता है। किस में बदल जाता है? मानसिक। क्या होता है? फिर मन ही मन चलता है, फिर उसमें ये वेग भी नहीं लगता, फिर शरीर शांत होता है। मानसिक जप कौन करते हैं? योगी लोग करते हैं, अगर करते भी हैं तो। कुछ तो केवल प्राणायाम करते हैं, प्राण को धीमी गति से लेते हैं, धीमी गति से छोड़ते हैं, निर्विचार रहने की कोशिश करते हैं, और कुछ काल बाद जब वापिस आते हैं पृथ्वी पर, धरा पर, तब वो सब कुछ जानते हैं। तो क्या योगी लोग चमत्कार करते हैं? नहीं, चमत्कार ये भी नहीं करते हैं, लेकिन योगी लोगों की जो काल गणना है वो इतनी फास्ट हो जाती है कुछ हद नहीं। जैसे भूगर्भ शास्त्री बताते हैं अब 3 दिन तक बारिश आएगी, उसी तरह योगी लोगों को पता चल जाता है इस टाइम वहाँ पे भारत के दक्षिण में इस टाइम ये मौसम चल रहा है, और ऐसे ऐसे हवाएं चल रही हैं, और बादल परसों से चले थे, आज यहाँ आ गए हरियाणा की तरफ, कल दिल्ली में बरसेंगे। जो गन्ना बैठ के हमारे ये ज्योग्राफी वाले करते हैं, ज्योग्राफिकल गन्ना भी वो स्वयं ही कर डालते हैं, और उनको हम चमत्कार मानते हैं। जैसे किसी योगी ने बताया कि शाम को मैं बारिश करवाता हूँ, आ गए ना समझ में? अब वो शाम को बारिश हो गई, योगी को तो पता था, क्योंकि वो तो काल गन्ना के परे है, उसको तो सब दिखाई दे रहा है आर पार, आ गए ना, उसको तो ब्रह्म सूत्र मिल गया है, हमें ब्रह्म सूत्र मिला नहीं है। वो एकांत में रहा लंबे समय तक, बिना मक्खी मच्छर के, बिना किसी बाधा के, और वो बर्फीले स्थानों में रहा। इसलिए योगी लोग रेगिस्तान में नहीं रहते, एक तो त्वचा जलती है शरीर की, उनको बर्फ में रहने के तो अभ्यस्त हो जाते हैं, आगे ना, लेकिन इतनी गर्मी में रहने का तो एक ही अभ्यस्त है, वो है ऊंट। कौन है? ऊंट। तो ऊंट भी योगियों से कम नहीं है, है, उसके पास भी सिद्धि है, वो कई दिन तक भूखे प्यासे रह लेता है, ऐसा ही है कि नहीं है? और कितने घंटे तक रह लेता है आपको गन्ना उसकी पता ही है भाई, मेरे को भूल गया मैं, आज ऊंट के बारे में पढ़ना मुश्किल। इसलिए भगवान ने जो जीव जहाँ पैदा हुआ है, अगर वो उन्नति भी करना चाहता है, तो
तो वो शांति में उन्नति कर सकता है। शांति के साथ उन्नति होती है, शांति के साथ शक्ति मिलती है। आप जब शांत रहने लगोगे तब आपको आपकी जो आंतरिक शक्ति है उसका बल बढ़ता है, उसकी वृद्धि होती है, तभी आप तपस्वी भी कहलाने लगते और योग श्रेष्ठ भी कहलाने लगते। श्वास लेते लेते जोर जोर से, फिर एक अवस्था ऐसी आती है फिर आप गहरे गहरे श्वास लेने लगते हो, अपने आप को रोकने लगते हो, धड़कने बढ़ जाती है उस टाइम में। फिर रोकते रोकते ऐसी अवस्था आती है कि बिल्कुल शांत हो जाते हो, आपकी श्वास अंतर ही अंतर से में आने लगती है, आपको महसूस ही नहीं होती और धड़कन थम जाती। ये अभ्यास करते करते, प्राण का अभ्यास करते करते, अब देखो प्राण में भी स्थिरता होती है। जब आप एक श्वास शुरू करते हो जहाँ से, इससे पहले स्थिरता होती है, जहाँ पे आपका श्वास जाके ख़त्म होता है उसके बाद थोड़ी सी स्थिरता होती है, लेकिन वो स्थिरता इतनी क्षणिक होती है कि क्षण का भी बहुत कम पहलू होता है जिसमें जाके वो स्थिर होता है। लेकिन योगी लोग उस स्थिरता को हमेशा के लिए भी पा लेते हैं, उसी स्थिरता को वो काबू कर लेते हैं, उसको पा लेते हैं। अब कैसे पाते हैं, उम्र कैसे बढ़ाते हैं, ये भी मैं बताता हूँ आपको। बहुत धीमी गति से श्वास लेते हैं, क्या करते हैं, धीमी गति से छोड़ते हैं। जब आप धीमी गति से श्वास लेने लगोगे, धीमी गति से छोड़ने लगोगे, काम तो कोई आपको है नहीं, आपने तो योग ही धारण करना है, सांसारिक कोलाहल में आपने रहना नहीं है। तब 45 सेकंड का एक श्वास होता है, वैसे आप एक मिनट में 16 ले रहे हो, कितना ले रहे हो, कितना ले रहे हो, 16। और अब आप कितना ले रहे हो, एक श्वास ले रहे हो 45 सेकंड में, कितना, एक। तेलंग स्वामी ने 40 वर्ष के होकर, तेलंग स्वामी की माँ मर गई, माँ मर गई, माँ के साथ वो शमशान में गए माँ के शरीर की चिता को, माँ की चिता को जलाने के लिए, वापस कदापि नहीं आए, उसी शमशान में रहने लग गए। जब उनकी उम्र बालपन से, बालक थे तब, वो बालपन से 40 वर्ष की हो गई शमशान में रहते रहते, कोई महात्मा आया, उन्होंने योग धारण कराया उस तेलंग स्वामी को, और फिर वो 190 या 290 वर्ष तक जिए। कितने वर्ष तक, उनको काशी का शिव कहा जाता था। ये आज तो बागेश्वर वाले के पीछे पड़ रहे हैं, इसके पीछे पड़ रहे हैं, उसके पीछे पड़ रहे हैं। ये जो पर्ची वाले बाबा है ना हमारे यहाँ, ये कई कई सौ साल पहले भी थे ऐसे कि आप गए, आपने बाबा से जो जो क्वेश्चन पूछे, बाबा ने अपने तकिए के नीचे से पर्ची आपको दे दी, वही क्वेश्चन उसमें लिखे हुए थे, ये आएगा फला आदमी आएगा, ये थी। हमारे यहाँ विशुद्धानंद जी की महाराज की एक बात है कि उनके पास कोई अपनी जन्म पत्री पूछने आता है तो उसकी जन्म पत्री पहले से ही बना के रखते हैं, जन्म तारीख के हिसाब से, आ गया ना समझ में, दो जन्म पत्री बनाते हैं वो। अब दो जन्म पत्री कैसे बनाते हैं, अब उनकी जन्म तारीख के हिसाब से जो जन्म पत्री बनी, जो उसके मन में थी जन्म तारीख, वो घर से चलता है, वो बना के रख लेते हैं दो पत्री। अब देखिए, माँ के गर्भ में बीज गया और जब बीज में आत्मा पिंड बना, और जब पिंड बना तब उसमें जिस समय जिस क्षण आत्मा प्रविष्ट हुई, उस समय से गर्भ में जिस समय आत्मा प्रविष्ट हुई उस समय से उसकी जन्मपत्री बनाते हैं और उसको सारी बात बता देते हैं। स्वामी विशुद्धानंद जी, ध्यान रखिएगा, कौन, जिनको वैज्ञानिक लोग वो नहीं कर पाए कदापि, आगे ना, उन्होंने कहा, किसी ने कहा कि ब्राह्मण की तो आंख से ही अग्नि लग जाती है, तो उन्होंने उसकी धोती में जो खुद ब्राह्मण था अग्नि लगा के दिखा दी। वैज्ञानिकों ने कहा यह कैसे संभव है कि आप एक तीर से अग्नि, एक तीर से जल और एक तीर से बारिश, ऐसे जो जो होता था वो करके दिखा सकते हैं, उन्होंने यही काम करके दिखा दिया। वैज्ञानिकों ने कहा यह कैसे संभव है, नाभि से कमल निकले और उसमें ब्रह्मा जी बैठे हो, उनकी नाभि से कमल की पंखुड़ी निकली और वो जाके छत के टकरा गई और बोले देखो ब्रह्मा जी ऊपर बैठे हैं तुम्हें दिखाई देता है, तो ये तुम्हारी बात है, आए ना। अब उस व्यक्ति की दो पत्री बनाते हैं, एक पत्री के अनुकूल कहते हैं अगर जो तू मुंह से लेके आया इस पत्री को बनाता हूँ तो फिर मुझे तेरे पास जाना चाहिए, तुझे मेरे पास कदापि नहीं आना चाहिए, यानी कि फिर मुझे तेरी आवश्यकता है, ठीक है, तुझे मेरी नहीं। और एक पत्री जो बनाते हैं उसके अनुकूल उसकी गणना करते हैं, उसको उसका पूरा भूत भविष्य सब कुछ बता डालते हैं। भारत में तो ऐसे साधु पहले से रहते थे, तो फिर
अब क्या दिक्कत है, है कि नहीं? अब धर्मों की बात क्यों चल पड़ी? ये तो भारत का सौभाग्य है, ये तो भारत की धरा ही है। और अगर आपको बागेश्वर वाला बनना है, वैसा ही बनना है, तो आप भी भाई तप करो, आप भी हनुमान जी की साधना करो, है कि नहीं? अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता असवर दीन जानकी माँ। फिर भी आपको चौपाइयाँ चाहिए तो सुंदर कांड सिद्धियों का साक्ष्य है। पूरे सुंदर कांड को 1000 बार पढ़ लो तुम कम से कम। और फिर तुम्हारे यहाँ कंबल वाले बाबा हुए हैं जो कहाँ स्थापित है, हिमाचल प्रदेश में। उन बाबा की आप जीवनी पढ़ो, उनके अनुकूल हनुमान जी से प्रेम करो, राम राम कहो, तुम भी 3-3 शरीर लेके घूमोगे आगे ना, तुम्हारे भी अंग्रेज दीवाने बन जाएंगे। तुम तो एक कोई थोड़ा सा काम करता है उसके पीछे पड़ जाते हो। ठीक है भाई, ये प्रेत क्यों निकाल रहा है? ये तो ढोंग है ढकोसला, मानो भैया निकाल रहे हैं। आओ तुम्हें ढोंग ढकोसला दिखाता हूँ, तुम खुद देखोगे, तुम्हारे चेहरे लाल हुए पड़े पिलेंगे तुम्हें, जब मेरे से पूछोगे प्रेत कैसे निकाला, कैसे किया, कैसे काम किया, कैसे शरीर से निकाला, कहाँ शरीर में रह रहा है, शरीर में क्या कर रहा है, क्यों घूम रहा है शरीर में, क्यों आया इसके पास, जब मैं कारण सहित बताऊंगा आगे ना। फिर तुम खुद अपने गाल जो है लाल देखोगे उस तमाचे से जो मैंने आपको सीधा किया है, और वो सनातन का तमाचा है। तुम सबके मुंह पर, धर्म तो सबका सनातनी है, सनातन का मतलब केवल आत्मा से है, है ना? इसलिए भगवान कहते हैं तू कितनी बार इसका दादा बन गया, ये कितनी बार तेरा दादा बन गया। अर्जुन ये तुझे तो नहीं पता है, तो मुझे पता है ना, तुझे तो अपना एक भी जन्म याद नहीं है, मुझे तेरे और मेरे सारे जन्म याद है कि नहीं? फिर अरे हमें तो 4 दिन पहले की बात तक याद नहीं रहती, हम क्या गन्ना करते हैं। और कोई कहता है ये मैजिक ट्रिक्स है, केवल मन पढ़ने की बात है, तो मेरे पास भीड़ में 4 लाख लोग खड़े हैं, उसमें से मैं 9 का पर्चा बना रहा हूँ, उन्हीं के हाथ में जा रहा, तो मन कहाँ से पढ़ लिया भाई? तो भाई मन कहाँ से पढ़ लिया? कोई सुहानी शाह है वो बोले तो मन पढ़ने की बात है, नहीं ये तुम्हारे से नहीं होगा, क्योंकि सुहानी शाह तुमने ट्रिक सीखी है, तुमने भगवान का नाम लिया ही नहीं है। भगवान के जो मंत्र हैं वे इतने दिव्य और चमत्कारी होते हैं कि उनकी मात्रा जपने से आप स्वयं भगवत तुल्य हो जाते हो, भगवान के हो जाते हो, और आप शिव की तरह पावन और निर्मल हो जाते हो, शिव ही हो जाते हो। प्रत्येक मंत्र की साधना का ये फल होता है कि जो उसका ईष्ट होता है वो उसी में खो जाता है, वही हो जाता है। लास्ट में लिखा है आपको सारी सिद्धियाँ मिलेंगी उसी एक मंत्र से, और लास्ट में लिखा है फिर आप साक्षात शिव हो जाओगे। भगवान शंकर के हर मंत्र का एक ही प्रमाण है कि सब सिद्धियाँ मिलेंगी, ठीक है, आपका वशीकरण अपने आप चालू हो जाएगा, आपसे लोग अपने आप आकृष्ट होकर ऐसे आएंगे जैसे मधुमक्खी के छत्ते में वापिस मक्खियाँ आपसे चिपकेंगे, जैसे गुड़ पे चीटियाँ, क्योंकि उनका मूल आप ही हो जाओगे। ये सनातन की रीति है, पत्ती है, बहुत गुड़ है, ये किसी सुहानी शाह के बस की बात नहीं है। आपने ट्रिक सीखी है दूसरे के मन को पढ़ने की, तो सुहानी शाह मनु भैया के मन में क्या चल रहा है कदापि नहीं बताएंगी, क्योंकि जब सुहानी शाह बता पाएंगी, क्योंकि जब सुहानी शाह मेरे सामने खड़ी होंगी मैं निर्विचार हो जाऊंगा, तो मेरा कोई विचार पकड़ेगी नहीं, जब विचार होगा ही नहीं तो पकड़ेगी कहाँ से, जब मन में कुछ होगा नहीं, मन खाली होगा तो कोई विचार पकड़ ही नहीं पाएंगी। बोलो शंकर भगवान की जय।